तो जी गूगल मैप पता नहीं कहीं अंदर से रास्ता दिखा रहा है, पता नहीं भाई ये कहाँ आ गया मैं। अब बस निकल जा। बढ़िया। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज राइड विद किक। एक नए ब्लॉग में आपसे स्वागत है। तो ये पार्ट 3 होने वाला है और मैं नहा धो चुका हूँ। अब यहाँ से आज निकलना है मुंबई के लिए, तो बस फटाफट से चलता हूँ, तैयार होता हूँ और फिर बाइक पे मिलते हैं। बाकी निकलते हैं मुंबई के लिए, काफ़ी लेट हो गया, मेरे सारे टीम मेट तैयार है, मैं अकेले नहा रहा हूँ। चलो बढ़िया, नहा धो के हो गया, अब बस निकलते हैं। बढ़िया, फुल सेट भाई, फुल सेट, हेलमेट भी रेडी है। चलो इनके पास है ना ऐसे 5 पर्शियन कैट है, टाइगर टाइगर कर रहा भाई, टाइगर 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 भाई। यहाँ पे ऐसे ना 5-5 शेर है, बहुत जबरदस्त है। ये मिल नहीं रहा था, अंदर चला गया था कहीं। ऑलराइट जी, तो हम लोग ऑल सेट टू गो होम, तो अब निकलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, आज की राइड भी सेफ हो। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। ओके बाय 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 बाय। ओके ओके ओके। चलिए जी, तो यहाँ से हम लोग गए थे बीच के लिए और यहाँ से अब हम निकल जाएंगे घर के लिए। मतलब है एक ही रास्ता, इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ। देखो यहाँ से जाऊँगा तो भी यही रोड पे उतरूँगा, ये जो जा रहा है वहाँ से जाऊँगा तो भी यही रोड पे उतरूँगा। तो बट मुझे इस तरफ जाना है तो मैं यही रोड से चले चलता हूँ, तो जल्दी हो जाएगा। और मैंने जैकेट पहना है भाई, यहाँ पर शाम को जितनी ठंडी थी उसका डबल गर्मी सुबह में है भाई। और बाकी मेरे टीम मेंबर सब निकल चुके हैं, जैसे कि तरल पांचाल सर और बाकी सब लोग, जितने भी लोग हैं सब निकल गए। मैंने उनको बोला कि मैं आपको पैचअप करता हूँ पीछे से। तो यार जहाँ मैं फार्म हाउस पे गया था यहाँ पे ना, मतलब एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि इनके इसमें ना बहुत सारे जानवर इन्होंने पाल के रखा है, जो कि एक्चुअल में लगता है कि फार्म पे हैं। मैं आपको गाय भैंस दिखाना भूल गया, एक्चुअली दिमाग से स्किप हो गया, वरना मैं वो भी दिखाता। इन्होंने गाय भैंस भी रखा था प्रॉपर, और एक्चुअली मेरा नज़र जो है ना वो पर्शियन कैट पे चला गया, इसके वजह से मैं उसको ही शूट करने में थोड़ा बिजी हो गया। मैं एक ही को कर पाया, बट इनके पास है ना 6-7 थी। और क्योंकि कल रात में जब हम खाना खा रहे थे ना, वो सब आगे पीछे गोल गोल घूम रहे थे, तो भाई इसलिए हमको पता चला कि वहाँ पे 6-7 पर्शियन कैट है। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। और अभी फ़िलहाल हम लोग भी निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं घर की तरफ। बढ़िया है भाई। तो जी गूगल मैप पता नहीं कहीं अंदर से रास्ता दिखा रहा है। अब मुझे पता नहीं कि मेरे टीम वाले जो हैं अंदर से ही गए हैं कि बाहर से निकल गए, पता नहीं, बट अब दिखा रहा है तो मैंने ले लिया भाई अभी इस रास्ते पे। चलो अब जहाँ भी जाएगा लेके जाएगा गूगल मैप, देखते हैं। गूगल मैप वैसे ज़्यादा करके तो घुमाता नहीं है, बट अगर घुमाएगा तो देखा जाएगा। और यहाँ पर घर वगैरह देखो आइस, यहाँ के घर चेकआउट करो, ऐसे ऐसे घर है ना भाई कमाल के, बहुत मज़ेदार घर है इधर। पता नहीं भाई ये कहाँ आ गया मैं। ये रास्ता आगे हाईवे को निकलेगा, मुझे मुंबई जाना है। हाँ ओके थैंक यू। तो भाई मतलब कि एकदम सही रास्ता पे आ गया हूँ मैं, बट जाते वक्त ये रास्ते से नहीं गया था यार, ये पता नहीं कौन सा रास्ता आ गया है। जाते वक्त हमारे साथ में अक्षय पाटिल भाई साहब थे, वो उनका गांव ही अलीबाग है, तो वो पता नहीं कहाँ से अंदर अंदर से घुमा के शॉर्टकट लेकर आए थे, तो हमारा काफ़ी किलोमीटर बच गया था, मतलब इंटरनल रोड से जाने के वजह से। अभी इन्होंने तो बोल दिया कि भाई यहाँ से जाओ आगे तुमको मिल जाएगा हाईवे, बाकी देखते हैं। प्रभु राम का नाम लेके चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो कच्चे रास्ते के बाद जो ये मेन रोड पे लगा हूँ मैं, बस सीधे सीधे चले जा रहा हूँ। मैप तो दिखा रहा है, बाकी देखते हैं यार। और मेरी आवाज़ पूरी बदल चुकी है, इसका रीज़न ये है कि पूल में कल शाम को नहाया जबकि मौसम एकदम ठंडा था, और आज सुबह भी नहाया क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो यार ये ठंडा गरम ना, मुझे लग रहा है कि सर्दी जैसा हो गया है पूरा, क्या ही बोलना।
यहाँ से अब शुरू होता है हमारा एक बढ़िया सा हाईवे जिस पे गाड़ी चलाने को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो अब बस इस पे अच्छा सा स्पीड मेंटेन करके चलते रहना है। ये सीधा सीधा तुमको पेंट के पास निकाल देगा हाईवे पे, वहाँ से फिर आपको फोर लाइन रोड मिल जाएगा एकदम इजीली, फटाफट फटाफट पनवेल, फिर उसके बाद घर पे। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं ना, मैं एक ही व्लॉग बनाता ये सब का, लेकिन पता नहीं क्यों यार मैं इतना ज़्यादा शूटिंग कर लेता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि यार नहीं, ये पार्ट नहीं छोड़ना है, ये भी दिखाना है, ये भी दिखाना है, ये भी दिखाना है, तो वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी। मतलब 50-50 मिनट का फुटेजेस का रिकॉर्डिंग होता है मेरे पास, उसको मैं एकदम कट कर कर करके 10-12 मिनट पे लेके आता हूँ। तो आप खुद ही सोचो कि अगर मैं पूरा व्लॉग एक साथ जोड़ूंगा तो ये 30 मिनट का तो व्लॉग हो जाएगा, और आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास 30 मिनट है जो मेरा व्लॉग देखे भाई, क्योंकि पता नहीं, देख भी सकते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, देख भी सकते हैं नहीं भी देख सकते। तो इसीलिए मैं ज़्यादा बड़े व्लॉग्स बनाने के लिए अवॉइड करता हूँ और छोटे व्लॉग ही बना रहा हूँ, इसलिए इसको भी मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, 2, 3, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ये 3 पार्ट में बनेगा। बढ़िया वक्त, अभी हम चल रहे हैं अलीबाग पेन रोड पर, और ये रोड अप्रॉक्सीमेट 11 किलोमीटर तक अभी यही रोड है मुझे, उसके बाद में फिर लग जाएगा पेन टू पनवेल वाला हाईवे, तो फिर बढ़िया मज़ा आ जाएगा भाई। अरे भाई क्या कर रहा, हिचकी क्यों आ रही है यार मुझे, अरे बाप रे इतना भयंकर हिचकी, कौन याद कर रहा है भाई मुझे। तो भाई ये रहा JSW स्टील कंपनी, जहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं ये वहाँ से शुरू होके वहाँ पे एंड हो रहा है JSW स्टील। तो यहाँ हम पहुँच गए, और यहाँ से अब बस थोड़े ही दूर पे हमें हाईवे मिल जाएगा। बढ़िया, देखो वहाँ ब्रिज के ऊपर से गाड़ियाँ चल रही है ना, ये जो सामने ब्रिज पे आपको गाड़ियाँ दिख रही है, यही ब्रिज अब मुझे लेना है, तो मैं यहाँ से लेफ्ट ले लूँगा और सीधा ब्रिज पकड़ के सीधा सीधा पनवेल, अब मुझे मैप की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से जो है लेफ्ट लेना, बाकी लोग मेरे टीम के कोई रुके नहीं है, मुझे लगा था हो सकता है यहाँ पे वेट करेंगे, बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये लोग निकल गए हैं, तो मुझे भी अब स्पीड अप करके फटाफट से रास्ता कवर करना चाहिए, हो सकता है आगे रास्ते में मिल जाए ये लोग। भाई क्या कर रहे हो, कार वालों बाइक वालों को भी थोड़ी इज्जत दे दो यार, हमारे सिर के ऊपर से गाड़ी लेके जाओगे क्या? ये ब्रिज खत्म नहीं हो रहा यार, हो जाएगा, देखना है कैसे खत्म होगा, ऐसे करूंगा ना खत्म हो जाएगा, देखना है, देखो देखे मैंने बोला था ना यू ब्रिज खत्म हो जाएगा। और ये अब हम आ चुके हैं मेन हाईवे पे, अब हमें यहाँ से मिल चुका है 4 लाइन रास्ता, तो अब बस सनसनी वाली स्पीड पकड़ना है और पनवेल की तरफ बढ़ना है। बढ़िया, मेरे टीम वाले मिल गए मुझे, आगे ही चल रहे पहुँचने वाले हैं ऑलमोस्ट करनाला फोर्ट, और करनाला फोर्ट से पनवेल तो आपको पता है मैक्सिमम 10 किलोमीटर होगा। ये रहे हमारे टीम वाले भाई इतने देर से ढूंढ रहा था इन लोग को, स्कूटी लेके भाई इतना आगे निकल गए थे ये लोग, 10 मिनट के फर्क में भाई साहब 42 किलोमीटर आगे निकल गए थे ये मुझसे, बट फाइनली कैच अप कर लिया इनको, अब साथ में जा रहे हैं आराम से। अगर आपको ऊपर में दिख रहा है इधर, तो भाई यही है करनाला फोर्ट इसे करनाला बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं लोग, और यहाँ जाने के लिए आपको यहाँ से एक नीचे उतरने का रास्ता है, वहाँ से आप उतर के जा सकते हो। तो ये टर्न से आप नीचे जाओगे तो यहाँ बाजू में ये जो सामने आपको दिख रहा है ये केबिन जैसा, यहाँ से टिकट लेके आप करनाला बर्ड सेंचुरी में जा सकते हो, और यहाँ से ट्रैकिंग करके आपको उस पहाड़ पे जाना होता है। बढ़िया, तो जी हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं पनवेल में, मतलब ये JNPT वाला रास्ता है, अब यहाँ से जाके पाम बीच से होते हुए निकल जाऊँगा मैं भी घर की तरफ। बढ़िया है भाई फाइनली मुंबई आ गए हम लोग, अब यहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 1 घंटा और लगेगा घर जाने के लिए। ये क्या है भाई, ये मुंबई में कहाँ से
आप लोगों को एक और बात बताता हूँ कि मैं ना अभी इस वक्त ब्लॉग बनाने के मूड में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अब ये थकने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक तो कई सालों बाद मैं बैट बॉल खेला, उसमें इतना दौड़ा तो पूरी बॉडी पेन होने लगी। उसके बाद आने के बाद स्विमिंग पूल में नहाने लगा, वो भी बहुत टाइम के बाद में स्विमिंग पूल में नहा रहा था, तो डुबकी लगा रहा था, तैर रहा था, यहाँ से कूद उद रहा था, तो भाई ना पूरी शरीर की एकदम वाट लग गई है, मतलब ताकत ही नहीं बचा है शरीर में, इतनी थकावट हो गई है। और कल रात को सोया, वो भी बिस्तर इतना मतलब बढ़िया था, लेकिन क्या है कि कभी कभी जगह बदल जाती तो नींद नहीं आती है, तो वही हुआ, रात भर परेशान था, अच्छे से सो नहीं पाया। और सुबह में ही फिर से मैं स्विमिंग पूल में कूद गया, क्योंकि मैंने ब्लॉग नहीं किया था उस चीज़ का, तो मैंने ज़्यादा देर तो नहीं नहाया, मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट नहाया होगा या 10 मिनट, उतने में जो शूट कर पाया कर लिया, और फिर निकला। निकलने के बाद में भी इतनी हालत ख़राब थी, मैं निकल नहीं पा रहा था उसमें से, मतलब इतना हालत ख़राब था कि मैं निकल नहीं पा रहा था पूल में से बाहर। तो उसके बाद में फाइनली ये सब चीज़ें करके हम लोग निकल गए। व्लॉग करने का बिल्कुल इच्छा नहीं था, लेकिन कैमरे को चार्ज कर लिया था तो मैं बोला यार व्लॉग कर लूँगा, कितना भी है रास्ता ही दिखाऊँगा बट व्लॉग कर लूँगा। और प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं जब ये गोप्रो लगाता हूँ तो मेरा ये वाला हेलमेट जो मैंने अभी पहना है, ये मेरा पुराना हेलमेट है, तो ये ना लूज़ हो चुका है, तो गोप्रो की वजह से बार बार ये हेलमेट ऐसा रहना चाहिए सीधा, तो ये गोप्रो के वेट से ऐसा ऐसा होता है, तो बार बार मुझे ऐसा ऐसा उठाना पड़ता है उसको। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं मतलब थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है मुझे ये सब चीज़ों से, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूँ और कैमरा वगैरह निकाल के सब बैग में रख लेता हूँ। मुझे लगता है JNPT के इधर जो एयरपोर्ट बन रहा है वो यही जगह है, यहाँ पे ही एयरपोर्ट बन रहा है। और अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़ी देर में कलमबोली पहुँच जाएंगे। कलमबोली पहुँचने के बाद यार मैं चाहता हूँ ना कि अब वीडियो को एंड कर दूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, हल्का नींद भी आ रहा है, तो बेटर है कि मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया रहेगा। सो ब्लॉग पसंद आया है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना प्यारा सा, और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे अच्छे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राम राम, महादेव, बाय बाय।